रात को चावल बच जाएं और समझ में ना आए तो क्या बनाएं, तो चलिए मेरे साथ बनाइए इतना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता जिसे खा के कोई यकीन भी नहीं करेगा कि यह आपने बचे हुए चावलों से बनाया है। साथ में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो बनाइए और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत सारी सब्जियाँ डाली हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल ईजी और टेस्टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए कितना क्रिस्पी नाश्ता बना हुआ है। सबसे पहले हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं क्योंकि चटनी तो हर नाश्ते की जान होती है। इसके लिए मैंने एक कप साफ किया हुआ हरा धनिया लिया है, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। थोड़े से हम इसके अंदर लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे और थोड़ा से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अगर इस समय आपको पुदीने के पत्ते ना मिले तो आप उसको स्किप कर दीजिए, वैसे आराम से मिल रहे हैं। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है, साथ में 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाली है क्योंकि हींग से हमारे नाश्ते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 चम्मच भुनी हुई चने की दाल डाल दी और साथ में डाल दिया 2-3 चम्मच दही। इससे हमारी चटनी जो है ना बिल्कुल बाजार जैसी, जैसे हम कैफ़े में जाके चटनी खाते हैं वैसी बनके तैयार होगी। और 2-3 टेबलस्पून के लगभग नींबू का रस डाल दीजिए। जितनी खट्टी आपको चटनी चाहिए उसके हिसाब से नींबू के रस की जगह आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल कलर वाइज भी, और इसके टेक्सचर देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कैफ़े में हम चटनी खाते हैं या बाहर रेस्टोरेंट में जब भी हम कोई तंदूरी चीज़ मंगाते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ बिल्कुल यही चटनी मिलती है। अब हमारे जो बचे हुए चावल थे ना, इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लिया या आप हाथों से मसल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच के लगभग दही, 1/2 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए, 1 चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच ही हम इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल देंगे। अब 2-3 चम्मच मैंने इसमें गाजर को बारीक घिस के डाल दिए, आप चाहें तो चॉप करके डाल सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा बंद गोभी का टुकड़ा पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया। सब्जियां आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे थोड़े मसाले, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मसाले तो वही जो हमारे रसोई के अंदर होते हैं बेसिक, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच चाट मसाला। खूब सारे पालक के पत्ते पड़े थे तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं। पालक को अच्छे से धोया और बारीक चॉप किया, साग बन रहा था तो मैंने अपने साथ में वही चॉप कर लिया और वही उसमें से उठा के डाल दिए और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों से मसल मसल के, हाथों से मसल के मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि चावल में अभी भी थोड़ी नमी है और पालक के पत्तों में भी, तो जैसे ही नमक डलेगा ना वो नमी काफ़ी रिलीज़ करेंगे तो हमें पता लग जाए कि हमें इसके अंदर जो बाइंडिंग है ना उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना और कितना। वैसे आप बाइंडिंग के लिए उबला आलू, आटा, मैदा, बेसन, सूजी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो इसमें 1/2 कटोरी चावल का आटा और 1/4 कप के लगभग मैंने इसमें बेसन डाला है ताकि हमारे बहुत टेस्टी क्रिस्पी कटलेट बन के तैयार हो। और इतने सारे बनेंगे ना, टोटल 12 या 13 पीस बनेंगे और अगर आपके घर में मेंबर ज़्यादा हैं तो 5-6 मेंबर हैं तो 2-2 पीस ही सबको मिलेंगे और जबकि खाना सब ज़्यादा ही चाहेंगे, बने ही इतने टेस्टी हैं। अब अच्छे से हम इसको मिलाते हुए गून लेंगे। पानी की ज़रूरत वैसे तो पड़ेगी नहीं, अगर आपको लगे तो 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिएगा लेकिन बहुत ध्यान से, नहीं तो फिर आपको आटा मत डालना पड़ेगा। ये देखिए कितना अच्छा हमारा डो जो है वो बनके तैयार हुआ है। इस तरह से हम बची हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस अब इसमें नींबू से थोड़े बकर बड़े आकार के गोली लेंगे और हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल कर लिया है। अभी तक मैंने बहुत कम ऑयल, सिर्फ 1/2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसमें लगेगा भी नहीं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला नाश्ता जो है आप आराम से 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए बातों बातों में कितनी अच्छी जो है हमारी टिक्की की शेप तैयार हो गई है। बस इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ एक एक करके बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको अभी 1-2 और बना के दिखाती हूँ। आराम आराम से, बस कुछ नहीं करना, अपने हथेलियों के बीच में इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए और सिर्फ हमें ऑयल लगाने की ज़रूरत भी 1 या 2 बार ही पड़ेगी और सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर किनारे आपको लगे थोड़े से क्रैक हो रहे हैं तो उनको हल्का सा दबा के बिल्कुल फ्रेश कर दीजिए। इस तरह से बहुत अच्छा नाश्ता, देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में तो अच्छा है ही, वो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। और चावल जो होते हैं कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम उसका क्या करें,
तो हम बचे हुए चावलों को अभी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली। अब क्योंकि 12-13 टिक्की बनी थी और घर में अभी फ़िलहाल 2-3 जगह जनेई मौजूद है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नाश्ता तैयार नहीं करना। तो बाकी का नाश्ता इस तरह से आप आराम से किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर हो जो, इस तरह से रख दीजिए और 1 या 2 दिन तक आराम से इसको इस्तेमाल कीजिए जब भी आपको ज़रूरत हो। मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने निकाल ली और बाकी की इसी डब्बे के अंदर रहने दी है। इस तरह से हम अपना नाश्ता जो है पहले से बना के तैयार कर सकते हैं और बची हुई चीज़ों को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम किया है। पहले मैंने एक डाल के देख लिया कि थोड़ा क्रैक ना आ रहा हो, ये देखना ज़रूरी है वरना बाद में पता चले कि सारे जो है उनमें क्रैक आ रहे हैं, फिर उससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और इनमें ऑयल भर जाएगा। और इनको हम हल्का कम ऑयल डाल के बस शैलो फ्राई कर लेंगे। पहले 1-2 मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल नहीं टच करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। और जब 1-2 मिनट के बाद ये हल्के से एक साइड से इनके ऊपर लेयर बन जाएगी, तब हम इनको आराम से पलट लेंगे। इस तरह से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनके तैयार होगा। आपको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि हमारे साइड जो है इस समय ये कबूतर वालों का टाइम है, तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बातों बातों में हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। एकदम क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता जो कि एकदम अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी, ये देखिए, और सब्जियों से भरा हुआ, ऐसा नाश्ता कौन नहीं खाना चाहेगा। भाई मैं तो चली खाने, आप भी चलिए मेरे साथ। चलिए बाय, फिर मिलेंगे।